इस समय मैं जो गोरेगांव लिंक रोड पे हूँ और जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में एक सूखा पेड़ है। ये सूखा पेड़ है यस वार्ड के अंदर में आता है। इसके पहले भी ये जो है सोनापुर सिग्नल के यहाँ पे एक सूखा पेड़ था। मेरी शिकायत के बाद जो है उस पेड़ को यस वार्ड ने हटाया, लेकिन जितना बताएंगे उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा अपने मन से नहीं करेंगे। यह जो है एग्जाम्पल देखने के लिए आपको मिल रहा है, क्योंकि हमने शिकायत की थी सोनापुर सिग्नल के यहाँ पे जो सूखा पेड़ था, जो लोग यहाँ से रेगुलर जाते हैं उनको पता होगा, वह पेड़ जो है मेरी न्यूज़ के बाद ही हटा, और न्यूज़ के बाद हम ऑफिस में भी जाकर उनको बोले थे और इस पेड़ के भी बारे में हमने बताया था, लेकिन यह पेड़ जो है अभी तक नहीं हटाया गया। यह पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है और यह पेड़ को जो है चारों तरफ से जो ईंट लगी हुई है, यह काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टेंस लेके लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से टर्न मार के आना पड़ रहा है गाड़ियों को। आप देखेंगे जो भी गाड़ियाँ अगर आती हैं हॉस्पिटल से, मैं कहूँगा आ जाएँ एक बार आगे, देखिए कितना चौड़ा जगह लेके इस पेड़ के लिए। और यह पेड़ जो है पूरा सूखा हुआ पेड़ है, इसमें कोई भी जान नहीं है, पूरा सूखा हुआ पेड़ है। यह पेड़ को जो है हटाने की ज़रूरत है। जहाँ पे बारिश के पहले जो है ट्रिमिंग का काम होता है, पेड़ों के कटाई का काम होता है, जो डाले होती हैं उसको काटने का काम होता है, लेकिन ये अनवांटेड, जिसको ज़रूरत नहीं है, सूखा हुआ पेड़ है, ये मर चुका पेड़ है, अब ये ज़िंदा नहीं होने वाला, क्योंकि घासें हरी हो गई लेकिन पेड़ हरा नहीं होने वाला। और इतनी जगह घेरा, मैं आने जाने वाले से पूछूँगा, यहाँ से बात करूँगा, जो लोग आएँगे उनसे भी जानेंगे कि यह पेड़ की क्या ज़रूरत है इस समय सूखे हुए पेड़ की। नहीं तो यहाँ पे एक हरा पेड़ लगा दें, या फिर इस पेड़ को हटा के सीधा रास्ता कर दें। सीमेंटेड रोड, आप देखिए चौड़ा रोड है, यह पूरा चौड़ा रोड है, इसकी वजह से जो है इतनी दूर आदमी जा नहीं सकता। और आगे एक पेड़ है, वो चलो हरा पेड़ है, लेकिन वो भी उसमें भी डाले बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी कारण मैं बता दूँ, इधर काम चालू है रोड का, इधर दिखाइए आप कंस्ट्रक्शन, इधर देखिए रोड का काम चालू है। ये रोड के काम की वजह से वैसे भी यहाँ पे जाने आने के लिए जो है रास्ते कम है, जगह कम मिलती है गाड़ियों को आने जाने के लिए, गाड़ियों को आने जाने के लिए जगह कम मिलता है। इसी बीच में एक ये भी है महाशय खड़े, ये भी महाशय जो है पड़े हुए हैं, ये यस वार्ड की लापरवाही है, यस वार्ड की लापरवाही है। वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने कामों को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है जिन चीज़ों को कार्य करना चाहिए, जिन पेड़ों को काट के हटाना चाहिए, लेकिन उन पेड़ों को काट के हटाने का काम नहीं किया जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पे काटो वाले हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं और इनसे हम बात करेंगे। अंकल ये जो पेड़ पड़ा हुआ है सूखा, वो जो पेड़ पड़ा हुआ है उसको कोई ज़रूरत है सूखे हुए पेड़ की? सूखे पेड़ की कौन ज़रूरत है, सूखे पेड़ की कौन ज़रूरत है? नहीं है ना, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत होती है लोगों को? दिक्कत तो होती है, काफ़ी परेशानी होती है, जो बीच पड़ जाते हैं। हाँ, इसको हटाया जाए तो अच्छा रहे, इसको हटा दिया जाए तो अच्छा है। और पेड़ तो पेड़, उसके साथ में 5 फीट जो है और आगे रोड को कवर किया, उसका चौतरा बनाया हुआ है, इससे तो दिक्कत होती है, उतना जगह एकदम छिपा हुआ है। और भी हम बात करेंगे, यहाँ पे गाड़ी रोके हुए, इनसे भी बात करेंगे। अंकल इसकी वजह से कुछ दिक्कत होती है, सूखा हुआ पेड़ है? नहीं नहीं, आने जाने वालों की ऐसी कुछ कोई तकलीफ नहीं, इसको भी तकलीफ है, इसको निकलना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं है तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। आप ताने मार रहे हो या सही चीज़ बोल रहे हो? नहीं सही सही बोल रहा हूँ, नहीं सही है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? सूखा पेड़ है ना? नहीं ये निकल जाना चाहिए, निकलना चाहिए, रोड खाली हो जाएगा, रोड खाली हो जाएगा। देखिए इन्होंने बताया, क्योंकि वो जो है मैं इनसे भी बात करूँगा, भैया एक चीज़, ये सूखा हुआ पेड़ जो पड़ा हुआ है इसको हटना चाहिए या यहाँ रहना चाहिए? हट जाना चाहिए। क्या इससे दिक्कत है कि नहीं है? आने जाने में दिक्कत होगी, गाड़ी वाड़ी को। साथ में पेड़ वहाँ है और जगह कितनी घेर रखा है 5 फीट? बराबर है, दिक्कत होगी। आप ऑफिसरों को कुछ कहना चाहोगे, उन जो बैठे ऑफिसों में अपने? कुछ नहीं, बस हटा देना चाहिए, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे बताया इन्होंने कि इसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये हटाने, क्योंकि यह जो है ऐसी जगह पर सूखा हुआ पेड़ है कि जहाँ पर जो है लोगों को दिक्कतें होती है, गाड़ियाँ जो है सीधे स्पीड से निकल सकती थी और जो है यहाँ से जगह मिलता गाड़ियों को आने जाने के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसकी वजह से तो जगह कम मिल ही रहा है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ में ऐसे ऐसी जगहों पे बीच में जो पेड़ हैं इन रोडों पे, इस रोडों पे जो पेड़ हैं, जो पेड़ नहीं रखने हैं निकाल सकते हैं, उन पेड़ों को निकालने का काम किया जाए। यस वार्ड जो है इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि यह पेड़ जो है ऐसी जगहों पर है जहाँ पर लोगों को दिक्कतें होती हैं। देखिए लोग चल के भी आ रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, एक बार दिखाइए, देखिए उसके ऊपर से लोग चढ़ के भी आ रहे हैं। आप समझिए बड़े में पेड़ की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है लोगों को? नहीं नहीं, क्योंकि ये उसके ऊपर तो चल के आ रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर ये निकल जाता तो प्लेन ज़मीन से आते, अभी देखिए साइड से आ रहे हैं, ये रोड की तरफ से, देखिए ये रोड की तरफ से आ रहे हैं, अगर ये रहता तो शायद किनारों से होते,
ये किनारों से आते हैं, लेकिन इनको जो है इस रोड से घूम के आना पड़ रहा है। और भी लोग आ रहे हैं, उनको भी आप देखिए, अगर ये पेड़ नहीं होता तो जैसे वो सीधा अभी आ रहे हैं वैसे सीधा आते। अभी हम देखेंगे वो सीधा आते हैं या बगल से आते हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। क्योंकि यह बीच में देखिए वो बगल में हो गए, क्योंकि यह पेड़ जो है, यह जो चौतरा बना हुआ है, यह दिक्कत का काम देता है। आदमी को मजबूर होना पड़ता है अपनी जगह को चेंज करने के लिए, चाहे वो गाड़ियाँ आ रही है गाड़ियों की तरफ जाए। देखिए अभी देखिए गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अंकल जी ये जो इसकी वजह से दिक्कत होती है लोगों को? हाँ होती है, होती है ना। और सूखा पेड़ है, सूखा भी पेड़ है और दिक्कत भी होती है ना, पत्थर होती है। हटना चाहिए, हटना चाहिए, जैसे बताया इन्होंने हटना चाहिए। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को जो है अब बंद करना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं ये कहूँगा यस वार्ड के ऑफिसर इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। और इस रोड पे जहाँ पे भी ऐसी पेड़ पड़े हुए या ऐसी जगहें हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और उसको हटाना चाहिए, ज़रूरी भी है हटाना ऐसी चीज़ों को। जैसे कि सूखा हुआ पेड़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ों को हटाने का काम जल्द से जल्द किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास करते हुए मैं जय पांडे, PGN से, जय हिंद।